निफ्टी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। जी हाँ, लगातार निफ्टी ने इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया है। अगर मैं सिर्फ 2023 की बात करूं तो निफ्टी ने 19 से 20% का रिटर्न दिया है। अगर पिछले एक साल का आंकड़ा देखूं तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 24% के करीब में रिटर्न दिया है। 2024 का सिर्फ आंकड़ा देखूं तो निफ्टी ने 2 से 2.5% का रिटर्न दिया है। अब इन्वेस्टर का ये क्वेरी है कि जो 2024 है, अभी सिर्फ 2 महीने कंप्लीट हुए हैं करीबन, क्या आने वाले समय में 2024 में निफ्टी 50 से पैसा बन सकता है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं विश्लेषण आपके सामने रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यही नहीं, अगर आप लमसम के थ्रू, जी हाँ, अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न को हाई करना चाहते हैं, अगर मार्केट में गिरावट होता है, कई बार अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, कब आपको लमसम करना चाहिए, जहाँ से पैसा ज़्यादा बन सकता है आपके म्यूचुअल फंड में, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 ने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है पिछले एक साल में। अगर मैं 2024 की बात करूं तो अभी कुछ आंकड़े और आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैंने कई बार इन्वेस्टर को बताया है कि इलेक्शन आपके सामने है और गवर्नमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी मार्केट को और ज़्यादा ऊपर ले जाने के लिए। कई ऐसे न्यूज़ मार्केट को अभी और ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मई तक हो सकता है कि मार्केट में और यहाँ से 10 से 12% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। मई के बाद थोड़ा सा निफ्टी 50 में गिरावट और दबाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आंकड़ा 2024 में निफ्टी 50 का कितना होगा एग्जैक्ट, ये कोई आपको नहीं बता सकता। कोई भी 100% गारंटी के साथ आपके सामने डाटा नहीं रख सकता, लेकिन हाँ, पिछले अगर मैं 10 साल का आंकड़ा देखूं तो अगर मैं ऑन द एवरेज यहाँ पे रिटर्न देखूं, पिछले 10 साल का अगर मैं मीडियन देखूं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कम से कम 13 से 14% का रिटर्न देखने को मिल सकता है, और मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ तो ये आंकड़ा 17 से 18% पहुँच सकता है। मैं आपके सामने कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी रखूंगा, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का, हम कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझेंगे कि आने वाले समय में निफ्टी 50 का क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है। मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे यही एडवाइस करूंगा कि देखो, कोई अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसा लगाने वाले हो तो काफ़ी सतर्क होकर लगाएं, और अगर आप स्टॉक्स में पैसा लगाना भी चाहते हो तो SIP के थ्रू जाएं। देखो, ऐसे तो कहा जाए निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन यहाँ से कितना ऊपर जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। अब काफ़ी शॉर्ट टाइम का अगर मैं कुछ टेक्निकल रिसर्च आपके सामने रखूँ कि निफ्टी 50 का क्या यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है, अगर मैं काफ़ी शॉर्ट टाइम के आंकड़े को देखूँ तो यहाँ पे 22,100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलता है। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है कि फिर से निफ्टी यहाँ पे 21,700 और 800 के करीब में ट्रेड करे, लेकिन फिलहाल अगर मैं पूरा आंकड़ा देखूँ, जी हाँ, हर एक इंडिकेटर का हेल्प लूँ और समझूँ कि क्या निफ्टी 50 में यहाँ पे कुछ नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो आंकड़े यही कहते हैं कि अभी भी यहाँ पे कुछ आपको पॉजिटिव डाटा देखने को मिलेगा। निफ्टी 50 में और ज़्यादा आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, कुछ और रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 1 से 2 दिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर रखूँ कि क्या सपोर्ट बन सकता है, तो मैं आपको बता दूं 22,200 का एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलता है। अगर 22,200 के नीचे यहां पे निफ्टी 50 ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो कुछ दिन तक आपको यहां पे 22,000 और 22,200 के बीच में निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन 22,200 के ऊपर में यहां पे काफी दिन तक ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा तो नेक्स्ट जो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 22,600 के करीब में। काफ़ी समराइज होकर अगर आपके सामने में डाटा रखूं तो मई तक निफ्टी 50 में पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ गिरावट भी होगा और ऑन द एवरेज टोटल यहां पे 13 से 14% यहां पे रिटर्न देखने को मिल सकता है 2024 के अगर आंकड़े पे हम नज़र डालें तो, पर वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहां पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर आप म्यूचुअल फंड में यहां पे शुरुआत करना चाहते हो, आज के आज अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो कोई भी बुरा समय नहीं होता है। मार्केट हाई हो, मार्केट लो हो, आपको इस पॉइंट को लेके कभी भी रिसर्च नहीं करना है। आप सबसे अच्छे स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हो, SIP के थ्रू यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जी हां, SIP के थ्रू जाओगे, 10 साल का समय है, 15 साल का समय है, मार्केट हाई हो या लो हो, उससे आपको नुकसान देखने को नहीं मिल सकता। जब आप बहुत बड़े लमसम अमाउंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो,
जैसे कि आपके पास 70 लाख 80 लाख, यहाँ पे बहुत बड़ा बजट है, क्योंकि बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिटायर होते हैं, उनको पीएफ का पैसा मिलता है या कुछ यहाँ पे कुछ ग्रेचुटी मिलता है, उनके पास काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है और वो वन शॉट में मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। कभी भी जब मार्केट हाई पॉइंट पे हो तो आप बहुत बड़े लमसम के साथ ना जाएं, मार्केट मौका देगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे हाई है तो हाई ही बनाता रहेगा, एक हाई का लो जरूर बनाएगा और उस समय आप इंटर कर सकते हो। जब भी आपके पास समय हो, 15 साल या फिर 10 साल के ऊपर का समय हो, बहुत बड़ा लमसम अमाउंट हो, तो उस बड़े लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए 1 साल का समय दें और 1 साल के अंतराल में कई बार मार्केट आपको मौका देगा, गिरावट में आपको अपना पूरा पैसा लगाना है। ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके मेरे हाथ में पूरा पैसा है या मार्केट हाई है, लो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं और छोड़ देते हैं। देखो ऐसे तो आज के आज अगर इन्वेस्ट करोगे 15 साल बाद आप नुकसान में नहीं रहोगे, 10 साल बाद आप नुकसान में नहीं रहोगे, लेकिन अगर हम कोई स्ट्रैटेजी यूज करें और उससे हमारा रिटर्न ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 से 20% ज़्यादा हो जाए, टोटल रिटर्न में 15 से 20% का इजाफा हो जाए, तो क्यों ना हम इस स्ट्रैटेजी को यूज करें। जी हाँ, इससे कई बार आपके मुनाफे का परसेंटेज हाई हो जाता है। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अब मार्केट हाई है तो कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने SIP को पॉज और SIP को स्टॉप कर देते हैं, ये स्ट्रैटेजी भी कामयाब नहीं है। आपके पास समय ज़्यादा है, मान लो 5 साल के ऊपर का समय है, तो ये स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं है। लेकिन अगर आपका 2025 में विड्रॉ करना है, 2025 में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हाई मार्केट में आप अपने SIP को रोक सकते हो। जी हाँ, सिर्फ यहाँ पे 1 साल का ड्यूरेशन है, तो 1 साल के ड्यूरेशन में हाई मार्केट में अगर आप पैसा लगाओगे तो उस SIP में बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। और इन्वेस्टर को अगर यहाँ पे अगले साल पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है उसका 2025 में आपको विड्रॉ करना है, तो ये सही समय है, मार्केट हाई है, इस समय अपना रिडम्पशन भी कर ले, अपने रिस्क को मिनिमाइज करें। इक्विटी में आपको अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सही समय है मार्केट से एग्जिट लेने का, क्योंकि मार्केट आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे रही होगी और आने वाला 1 साल कैसा होगा कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर 20% 15% यहाँ से ब्रेक हो गया, जो पैसा आपको आज मिल रहा होगा, जो आपका गोल के लिए रिक्वायरमेंट है, उसमें कमी देखने को मिल सकता है। 2025-2026 में अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे अपना इक्विटी का रिस्क को मिनिमाइज करें और आने वाले समय में धीरे धीरे रिडम्पशन का रिक्वेस्ट डालें। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, भेजिए कमेंट बॉक्स में, आए क्वेरी जनरेट करें। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं के सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी स्टार्ट करें, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।